ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਰੋਕ ਦਿਆ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਪਿੱਛਾ। देश भर में तीन अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन अभी पूरी तरह से शांत ही हुआ था कि आज एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन आज तीन दिन बीत जाने के बाद भी किसान की धान हरियाणा की मंडियों में पड़ी है, लेकिन किसी ने एक भी दाना नहीं खरीदा। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार से बातचीत में कोई विकल्प न निकलने के बाद यह ऐलान किया था कि किसान अपनी धान की ट्रॉलियां लेकर सड़कों पर आ जाएं, जिसके बाद आज किसानों ने अंबाला शहर अनाज मंडी के बाहर धान से भरी ट्रॉलियां खड़ी कर दी और जाम लगा दिया। जाम खरीदनी शुरू हो रही। कल अनिल बीज ने एक बयान दिया था पंजाब के सिर के अंदर, कहते दाना दाना खरीदा जा रहा है, वो आके देख ले यहाँ पर कुछ भी कोई एक भी दाना नहीं खरीदा गया, बार दाना तक नहीं आया, किसान परेशान है। यहाँ पर हमारी तो लड़ाई MSP की थी, अब तो खरीद भी नहीं हो रही, MSP की तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, जाम लगाया जाम आज कल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी, आपके इनके कोई चीफ सेक्रेटरी हैं अपना FCI के जो भी हैं, उनके साथ मीटिंग चली 12 से 2 बजे तक। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जैसा उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है आढ़ती की और सेलर वालों की, जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। हमने बोला था भी हमारी जो पॉलिसी उसको चेंज कर दो, और हमारी धान जो किसान पिछले 20 दिन से मंडी के अंदर बैठा है वो लेबर बहुत दिक्कत में है, और फसल का भी मौसम ख़राब हो सकता है, फसल का नुकसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वो अपने बात पर अड़िग रहे। उन्होंने कोई भी बात नहीं मानने की कोशिश करी, ना ही कोई किसानों का उन्होंने हक सुनने की बात करी। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया था प्रधान जी ने कि हर मंडी के बाहर अपना प्रदर्शन जारी करें, पूरे हरियाणा के अंदर है, यहाँ ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर हर एक मंडी के बाहर रोज़ प्रदर्शन चल रहा है, वो तब तक चलेगा जब तक ये खरीद शुरू नहीं हो जाती। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।